नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल। मैं तरुण श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp के कुछ नए अपडेट आए हैं और वो क्या अपडेट हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने WhatsApp पर जाना है और वहाँ पर आपको मैं लाइव एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉलिंग करूँगा, मैं अपने ही चैनल पर कॉलिंग जो मेरा यूट्यूब चैनल वाला जो नंबर है मैं कॉलिंग करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, कॉलिंग के नीचे आप देखोगे मैसेज का ऑप्शन आ रहा है और इस यही अपडेट है और इसमें काफ़ी जो अपडेट है वो आ गए हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने प्ले स्टोर पर जाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एक व्हाट्सअप का बीटा टेस्टर होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि अभी मैंने चेक करा था अपने दूसरे वाले फ़ोन से तो वहाँ पर मुझे पता चला, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, व्हाट्सअप में मैं अभी सर्च करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं व्हाट्सअप को सर्च करता हूँ तो मेरे पास जो बीटा वाला जो ऑप्शन है वो तो मेरे में दिखा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी व्हाट्सअप बीटा वर्जन मैंने अपने में कर रखा था। तो यहाँ पर मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ और नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो व्हाट्सअप बीटा वर्जन है वो मेरा एक्टिव है। यहाँ पर देखोगे फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, फाइंड आउट मोर, लीप का ऑप्शन आ रहा है, छोड़ सकता हूँ मैं इसे क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ इस पर। और अगर आप नहीं हैं तो वहाँ पर आपको आई एम इन का ऑप्शन आएगा, नीचे आई एम इन का ऑप्शन आएगा लीप की जगह पर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं उसको, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी तो फुल हो चुके हैं व्हाट्सअप बीटा वर्जन के जितने प्रोग्राम थे फुल है वो, तो अगर वो अपडेट आया था तो आप उस पर बीटा वर्जन पर जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप कुछ नहीं करें, केवल केवल आपको व्हाट्सअप को अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप व्हाट्सअप अपडेट करेंगे तो वहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे और ये मैं प्रोसेस अपडेट पे लगा देता हूँ। और अपडेट पे लगाने के बाद इस सारे के सारे जो प्रोसेस है उसको मैं स्किप करूँगा, स्किप करने के बाद आपको फिर लेके आता हूँ। क्योंकि मेरा व्हाट्सअप है वो अपडेट हो चुका है, मैंने अभी अपडेट कर लिया है, सारा का सारा जो प्रोसेस था वो मैंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो प्रोसेस हमें करना है। और जो मैंने स्टार्टिंग में करके आपको दिखाया था अपने जो व्हाट्सअप पे कॉलिंग करके दिखाई थी, वही जो सारा का सारा प्रोसेस है उसको आपको करके दिखाऊंगा। व्हाट्सअप है वो इंस्टॉल हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बीटा टेस्टर बनना है, उसके बाद आपको अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है। तो मैं अपने व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ, मैं फिर से क्या करता हूँ अपने व्हाट्सअप पर कॉलिंग पर जाता हूँ और कॉलिंग पर जाने के बाद आपको वो कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं कॉलिंग पे क्लिक करा और यहाँ पर आप देखोगे मैं अभी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले जो नीचे ऑप्शन आता था मैसेज वाला वो अभी वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। यही अपडेट है, आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप किसी से वॉइस कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टली वीडियो कॉल में आप स्विच कर सकते हैं बिना फ़ोन काटे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके दोनों फ़ोनों में जहाँ पर आप कॉल कर रहे हैं उसमें भी बीटा वर्जन अवेलेबल होना चाहिए। मैं सोचता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।